आई थिंक पैशन ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर रोज सीख रहे हैं, हर फिल्म से सीख रहे हैं और हर किरदार से सीख रहे हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट द पीपल वर्किंग अराउंड यू. एंड आई थिंक मेरे लिए वही बहुत बड़ी बेनिफिट रही है हमेशा, क्योंकि जब मेरी फ्राइडेज खराब भी रहती थी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर दोस्त थे जो हमेशा कहते थे कि नहीं यार, ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड ह्यूमन बींग, लेट्स गिव हिम अ चांस. क्योंकि आई वॉज ऑलवेज वर्किंग एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ. मैंने मुझे दीपक जी कहते हैं कि यू नो सुनील डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन मेरी पहली फिल्म के बाद लोगों ने कहा इज ऑल वुडन. बहुत बड़े दिग्गज हमारे क्रिटिक थे जिन्होंने ये बात कही, वो कहाँ आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ जिंदा हूँ और 26 साल से यहीं पर हूँ. लेकिन उन्होंने कहा था कि इज वुडन. बुरा तो लगा था मुझे, बहुत बुरा लगा था, लेकिन व्हेन आई एनालाइज्ड इट आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, मैं सिर्फ एक्शन के बलबूते पे यहाँ आया हूँ. एक्टिंग तो एक्टिंग की ए मुझे नहीं आती. और हाउ मच टाइम डिड आई स्पेंड लर्निंग द क्राफ्ट, तो आई स्टार्टेड लर्निंग द क्राफ्ट, दैट डिफाइंग स्टंट्स करने लग गया मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना था. तो रवि जी के साथ बैठ के एंड यू नो मास्टर जी हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय मेजर जर्नी. मेरी आई थिंक ऑल माय फर्स्ट इनिशियल फिल्म्स वाज थैंक्स टू हिम. नए स्टंट्स, नए शॉट्स, रोज का सोचना, और धीरे धीरे बाकी आर्ट सीखता गया. तो आई थिंक फॉर देम दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. क्योंकि सेकेंड फिल्म के बाद ये जब अपनी पहली पिक्चर देखेंगे तो कहेंगे यार, आई वॉज नॉट गुड एट ऑल यार, आई नीड टू इम्प्रूव, यू नो. सो दैट इज व्हेन यू रियलाइज ऑल दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग. एंड यू नो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो